नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। मजबूरों के अनदाता बने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता। कोविड की सेकेंड वेव में लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए जहां एक और लोग परेशान हैं, तो वहीं कई परिवारों के सभी सदस्यों के कोरोना संक्रमित हो जाने से उनके घरों में उन्हें भोजन पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा है। ऐसे ही लोगों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने सहायता करने की मुहिम में जुट गई हैं। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी और उनकी पत्नी प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता दोनों मिलकर खुद खाना बनाने का काम देख रहे हैं। कोविड 19 काल में संक्रमित होने की वजह से घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है और होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे लोगों के घर तक खाना बनाकर पहुंचाने का काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। आइए नंदी जी से ही जानते हैं कितने लोगों का भोजन कैसे संभव कर रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव सोच के साथ पिछले 23 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, उसी दिन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग 4 लोग 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। आप सोचिए, ट्रांसपोर्ट नगर, सुलेम सराय, झूसी जैसी दूरी जानी होती है, फिर भी सुबह शाम का एक साथ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हम एक साथ नहीं पहुंचा करके सुबह का खाना सुबह पहुंचाते हैं, शाम का खाना शाम को पहुंचाते हैं ताकि लोगों को ताज़ा और अच्छा खाना मिले। ऐसे समय पर स्वाद खराब होता है तो बदल बदल करके शाम को हम रोटी और पराठा, 2 रोटी भी देते हैं, 2 पराठा भी देते हैं और दिन में 4 रोटी, दाल, चावल, पनीर, काबली चने का सलाद, ताकि पौष्टिकता भी और उनका स्वाद भी बदल बदल करके उनको मिलता रहे और वो जल्दी से स्वस्थ हों, ऐसी कामना के साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो और सब लोग सुरक्षित हों और सबको सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रतिदिन खाने की रेसिपी चेंज कर मजबूरों के अन्नदाता बने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेयर अभिलाषा गुप्ता खुद अपने हाथों से रोटियां बनाती दिख रही हैं। क्या कहती हैं मेयर अभिलाषा गुप्ता? बना रहे हैं, खुद भी पैक कर रही हैं। किस तरह से सेवा भाव? देखिए, सेवा भाव का ये है कि ये ऐसा दौर है महामारी का जिससे जो बन पड़े उसको वो करना चाहिए और उसी में हम सब लगे हुए हैं कि दवाइयां अस्पताल में मिल रही हैं, डॉक्टर अपना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर ये सेवा भाव शुरू किया गया कि जन्मदिन है तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, और उस पर ही ये शुरू किया गया कि लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है, खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं तो उन्हें कौन खाना बना कर दे, और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुँचाएँ तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। तो उस पर ही ये कार्रवाई शुरू की गई नंदी सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें 6 लोग हैं और माननीय मंत्री जी ही मेन्यू तैयार करते हैं पूरा कि आज पनीर देना है और मिक्स वेज देना है, फिर पनीर में दूध भी जाना चाहिए तो खीर भी चाहिए, सेवई भी चाहिए और चावल भी होना चाहिए। अगर हम सादा चावल देते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम पुलाव की तरह उन्हें बना के देते हैं, कुछ लोगों को रोटी अच्छी लगती है, कुछ को पराठा अच्छा लगता है, तो हम दोनों का मिक्स करके देते हैं, क्योंकि अभी लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं तो थोड़ा तेल अवॉइड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर सलाद भी देना है, चटनी भी देना है, पूरा करा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों के घर तक पहुंचा जाए। अब तक लगभग 8,500 लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई गई है और कोशिश है कि अब उसको और आगे बढ़ाने की, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ये महामारी अब ख़त्म हो। हम सब इससे त्रस्त आ गए, बहुत अपनों को खोया है हमने, लेकिन फिर भी जब तक ये है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दोनों लोग, पति पत्नी माननीय मंत्री जी और हमारा संस्थान, हम मिलकर
जुलकर लोगों का सेवा भाव से इससे जुड़े रहें और लोगों को सहयोग प्रदान करते रहें। बस इतनी सी भावना है, आप मीडिया का भी हमेशा सहयोग रहता है। मैं इतना ही चाहती हूँ जिससे जो बन पड़े वो सहयोग करे, क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसमें हर कोई अगर थोड़ा सा भी सहयोग करेगा तो समाज सेवा में और लोगों के परिवार में बहुत सहूलियतें हो जाएंगी। ये कदम भाजपा के मंत्री का सराहनीय कार्य है। अगर ऐसी ही हर इंसान इंसानियत को देखे तो कभी भी कोई भूखा ना रहे।